आजकल जवान लड़कियां हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी में जो जागो जिसको कहते हैं आइस का नशा, ये जवान लड़की है जो इस टाइम सो रही है एक पार्क में, जागो मैंने जैसे कि आपको बताया इसको आइस का नशा कहते हैं, क्रिस्टल मैथ। कैसी हो आप? ठीक हो? ना तंग करो, आपकी मेहरबानी है, मुझे सोने दो। नाम क्या है? आसिया। आसिया, आसिया कब से कर रही हो नशा आइस का? मुझे हो गया 3-4 साल हो गए। किसी के साथ प्यार करती थी या शादीशुदा हो या कुंवारी हो ये बता। नहीं, मुझे किसी के साथ प्यार नहीं हुआ था, मुझे अपनी पूरी दुनिया से प्यार हुआ था। बस पूरी दुनिया में पूरी लाइफ खराब हो गई थी मेरी, मेरी जिंदगी खराब जा रही, मेरी एंट्री में कभी कोई आ जा रहा था। ये अच्छा नशा है कि खतरनाक है? ये बहुत बुरा नशा है। बुरा है ना? उसको हम यही कहेंगे कि नहीं लगे तो अच्छी बात है, ना करे तो अच्छी बात है, जिंदगी से प्यार है तो मत करना। ऐसे ही कुछ भी नहीं रहने देती, हड्डी भी नहीं रहने देती, ये इंसान का अंदर का मांस खत्म कर देती, इंसान खत्म कर देती है। ये जागो के नाम से बड़ी मशहूर है लाहौर में, और किस तरह ये जवान लड़कियां इस नशे पे मुब्तला हो गई हैं, यकीन माने हम जब पार्कों पे या सड़कों पर लड़कियों को सोते हुए देखते हैं, और ये तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जवान लड़की है जो इस टाइम सो रही है एक पार्क में, ये नशे पे मुब्तला है और ये जागो का नशा करती है। जागो मैंने जैसे कि आपको बताया इसको आइस का नशा करते हैं, क्रिस्टल मैथ अगर इसमें बोला जाए तो क्रिस्टल मैथ इसको किया है कहा जाता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है लाहौर में, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में और पार्टीज़ में, जो पार्टीज़ होती हैं अंडरग्राउंड वहाँ पर ये नशा लग जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हमारे घरों तक पहुँच जाता है। तो इसी तरह ये एक तस्वीर है जो कि जवान लड़की यहाँ पर लेटी हुई है और आइस का नशा करती है, पार्क में सो रही है। मैं इसका चेहरा नहीं दिखाऊंगा आपका, लेकिन बात ज़रूर करूंगा, ये आपको सारी हकीकत बताएगी कि कौन सा नशा करती है, क्यों करती है, वजह क्या थी, किस बात पे इसको नशा लगा, लेकिन चेहरा नहीं दिखाएंगे हम आपको। उसकी वजह ये है कि ये भी हमारी बहनों की तरह है, लेकिन जाहिर सी बात है कोई मजबूरी होती है, कोई इस तरह का मामला होता है जो नशे में मुब्तला हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? ठीक हो? ना तंग करो, आपकी मेहरबानी है, मुझे सोने दो। नाम क्या है आपका? मैं आपको चेहरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ बात करेंगे। नाम क्या है आपका? आसिया। आसिया, आसिया कब से कर रही हो नशा आइस का? मुझे हो गया 3-4 साल हो गए। 3-4? लाहौर की रहने वाली? हाँ, लाहौर की रहने वाली। किसने मतलब लगाया था आपको इस नशे पे, क्या वजह थी ये नशा शुरू? ये नशा जब मैंने लगाया एक दुख की वजह से लगाया था। दुख की वजह से लगा है? किसने लगाया? मैंने खुद ही शुरू कर लिया था। हाँ। मशवरा किसने दिया? किसी ने नहीं। किसी ने भी नहीं? अच्छा, क्या दुख था जो इस नशे पे लग गई? मैं देखा मेरी जिंदगी खराब जा रही है। जिंदगी की लाइफ खराब हो गई? हाँ। क्या मतलब, किसी ने छोड़ दिया है, बॉयफ्रेंड ने या शादीशुदा खामन ने छोड़ दिया, क्या वजह? क्या मेरी जिंदगी में, मेरी एंट्री में कोई कोई ना कोई आई जा रहा है। अच्छा, कोई ना कोई आई जा रहा है। हाँ। मतलब पहले किसने छोड़ा है आपको? किसी के छोड़ने की वजह से शुरू किया है? नहीं, जैसा ही मैंने लगाया। किसी के साथ प्यार करती थी या शादीशुदा हो या कुंवारी हो ये बता। नहीं, मुझे किसी के साथ प्यार नहीं हुआ था, मुझे अपनी पूरी दुनिया से प्यार हुआ था। बस पूरी दुनिया में पूरी लाइफ खराब हो गई थी मेरी। क्या हुआ थोड़ा सा बता दो। ये आपका एक अच्छा मैसेज जा रहा है उन लड़कियों तक जो प्यार की खातिर और नशा शुरू कर लेती हैं, उन तक ये अच्छा मैसेज जाएगा कि नशा ये कितना बुरा है और फिर इसके बाद ज़िंदगी क्या होती है। क्या हुआ था आपके साथ ऐसा? मेरी जिंदगी खराब जा रही, मेरी एंट्री में कभी कोई आ जा रहा था। अच्छा, कभी कोई ठीक हो गया, यानी कि किसी को पहले मर्द ने छोड़ा तो उसके बाद ये शुरू किया है, बॉयफ्रेंड ने छोड़ा। मैं अपने मियाँ करके ये सब शुरू किया था, आमन को लेकर। हाँ, उसने मेरी एंट्री, मेरी जिंदगी खराब कर। आमन ने? हाँ, आमन ने आपको छोड़ दिया। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, मेरे बच्चे हैं। कितने हैं? उनको बेटे बनाए, उनको लड़कियाँ बनाया हुआ है। किधर है वो? वो एक तो ये आ गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं मेरी बहन, देखें ये अच्छा नशा है कि खतरनाक है,
ये बहुत बुरा नशा है। बुरा है ना, जो लड़कियां नहीं नहीं इस पर लग रही हैं उसको क्या कहना चाहोगे? उसको हम यही कहेंगे कि नहीं लगे तो अच्छी बात है, ना करे तो अच्छी बात है, जिंदगी से प्यार है तो मत करना। हाँ ऐसे ही है। माँ बाप से मुलाकात? कुछ भी नहीं रहने देती, हड्डी भी नहीं रहने देती। ये इंसान का अंदर का मांस सिर्फ खत्म कर देती है, इंसान खत्म कर देती है। कि हम समझाएंगे ये माँ बाप है? मेरे माँ बाप फोत हो गए। फोत हो गए? कोई बहन भाई, कोई रिश्तेदार, कोई मिलता है, मुलाकात करता है कि नहीं? बहन भाई तो है लेकिन दूर दूर से। दूर दूर से? हाँ। अच्छा नहीं समझते? नहीं अच्छा नहीं समझते वो लोग। आजकल ये नशा हमारा देख के, तस्वीर में देख के हमें बुलाते तक नहीं है। यहाँ पर सोती है, कोई तंग नहीं करता? मैं नहीं यहाँ पर सोती हूँ, मैं तो सोती नहीं हूँ, मैं तो सारी सारी रात जागती रहती हूँ। दो मिनट आँख लग गए तो लग गई। सारी सारी रात जागती हो? हाँ। जब आइस पीती हो फिर नींद नहीं आती? भाई आइस की वजह से भी वैसे भी आ जाती है नींद। अच्छा, कभी कोई नशाइयों ने तंग तो नहीं किया यहाँ पे? मर्द भी नशा करते हैं, आइस पीते हैं, नहीं वो लोग चीजें वगैरह हमारी ले जाते हैं। ले जाते हैं चीजें? ले जाते हैं। हाँ। चीजें मतलब किस तरह की? ये जो उनसे हमारी पहनने वाली होती है चीजें, जो चोरी कर देते हैं, सामान होता है। हाँ ले जाते हैं, चोरी कर देते हैं। और क्या कहना चाहोगी, कोई मैसेज देना चाहोगी लड़कियों को, बच्चों को? बच्चों को तो हम यही मैसेज दे जाएंगे कि सुधर जाओ, इस आइस के पीछे कुछ जिंदगी खराब ना करो, इसमें कुछ नहीं रखो। ये हालात है जी। मैंने जितनी बात की, जितनी गुफ्तगू हुई मेरी इस लड़की के साथ, और यहाँ पर लेटने की वजह यही है कि आइस का नशा। यकीन माने आजकल भी अंडरग्राउंड पार्टीज होती हैं लाहौर में, जहाँ पर पिल्स, आइस जिसको जागो कहती हैं, ये इस्तेमाल होती हैं। वहाँ से शुरुआत होती है, नशा लगता है और फिर जाकर ये हालात हो जाती हैं कि घर वाले निकाल देते हैं या फिर घर बार छोड़ देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर सोने पर मजबूर हो जाती हैं लड़कियाँ। तो नाज़रीन ये दिखाना बहुत ज़रूरी था मुझे। जी का ज़्यादा तलाफ़।